वेलकम डियर फ्रेंड्स, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट कोलराउस लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कोलराउस रूल एंड इसके न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले इस वाले टॉपिक की अपन बेसिक थीम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कोलराउस जो लॉ है वो किस पर डिपेंड करता है, किसको फाइंड आउट करने के लिए प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पर जो ग्राफ जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ग्राफ वो किस किस के मिड में प्लॉट किया। तो सबसे पहले यहाँ से अपन इसके बेसिक फंडामेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर जो कोलराउस था उसने क्या किया, एक ग्राफ है वो प्लॉट किया, और ग्राफ है वो किस किस के मिड में उसने प्लॉट किया, ग्राफ उसने बनाया स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी के मिड में। तो मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलराउस प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटीज अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा एम से, और इसने ग्राफ का जो प्लॉटेशन किया था, प्लॉट किया था किसके अगेंस्ट किया था, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हो सी के थ्रू, और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन बोला तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट सी हो जाएगा। तो इन इनके मिड में मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको किसके अगेंस्ट प्लॉट किया, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के अगेंस्ट क्या किया, प्लॉट करके यहाँ पर जो कोलराउस है उसने डिफरेंट डिफरेंट जो कंक्लूजन है वो क्या किए, ऑब्टेन किए। तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ग्राफ है वो आपको सेपरेट बनाकर बताता हूं मैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और सेकंड वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर अपन सबसे पहले बात करें तो अपन सबसे पहले ग्राफ अपलोड करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ अपलोड किया, देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब भी कोलराउस ने ग्राफ है वो प्लॉट किया मोलर कंडक्टिविटी को अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, तो वहां पर जो ग्राफ है वो किस टाइप से ऑब्टेन होता, तो वहां पर ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है स्ट्रेट लाइन। उस वाली कंडीशन में ग्राफ है वो किस टाइप से ऑब्टेन होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ग्राफ ऑब्टेन होता है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वाई एक्सिस पर तो आपको कंसिडर करना है लैम्डा एम, मीनिंग क्या हो जाएगा इसका मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी, और x एक्सिस पर आपको पुट करना स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये ग्राफ तो आपको ऑब्टेन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो प्लॉट किया था कोलराउस ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता था, सेम यहां पर x एक्सिस पर तो किसको पुट किया था, मोलर कंडक्टिविटी को, मीनिंग किसको पुट कर देगा लैम्डा एम को, और जो आपका ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर किसको पुट करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को। लेकिन अब की बार जो यहाँ पर ग्राफ आएगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल नहीं था, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो किस टाइप का था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ ऑप्टेन हुआ, मीनिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ किस टाइप का ऑप्टेन हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। और जबकि आप बात करोगे किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ किस टाइप से ऑप्टेन हुआ, स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला जो ग्राफ है वो एक्चुअल में किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये जो ग्राफ ऑप्टेन हुआ था वो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑप्टेन हुआ था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ ऑप्टेन होता है ये आपके ऑप्टेन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और यहाँ पर जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कोलराउस ने जो यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट किया था उसकी जो इक्वेशन किस टाइप से मेंशन होगी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन के लिए आपको बताया कि किस टाइप की इक्वेशन को आप फॉलो करते हो, तो स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर y पर आपने किसको पुट किया था, तो यहां पर देखिए ग्राफ से मोलर कंडक्टिविटी को, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया y की जगह, तो मोलर कंडक्टिविटी मीनिंग लैम्डा m इक्वल टू x एक्सिस पर किसको पुट किया था, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यहां पर क्या आ जाएगा रूट सी। और यहां पर देखिए अब यहां पर जो आपके पास जो ये सी, सी का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, सी का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेप्ट। जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहां पर जो सी है वो क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट यहां पर क्या हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट, मीनिंग क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। और यहां पर एम का मीनिंग क्या होता है स्लोप, और स्लोप अगर आप देखोगे तो ग्राफ में कैसा है
नेगेटिव स्लोप है। अगर स्लोप इस टाइप से होता, अगर ग्राफ के अंदर आपको स्लोप इस टाइप से ऑप्टेन होता तो कौन सा स्लोप हो जाता, पॉजिटिव स्लोप। और यहाँ पर स्लोप किस टाइप का, नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप के लिए आप यहाँ पर एम एम की जगह क्या पुट करोगे, एम का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, स्लोप। और स्लोप है यहाँ पर जो स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, बी रिप्रेजेंट करेगा। और नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर स्लोप कौन है, बी है। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को अरेंज करना चाहो तो किस टाइप से अरेंज कर सकते हो, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके किसके लिए, कोलराउस रूल के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना है कि कोलराउस जो रूल है उसकी जो इक्वेशन ये होती है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। अब आपको यहां पर ये पता रखना है कि बी का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर बी इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। इस वाली इक्वेशन में बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और एक्चुअली में ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, मीनिंग ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या है, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, मीनिंग टोटली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। फिर अगर अपन बात करें यहां पर लैम्डा एम, तो लैम्डा एम का मीनिंग क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा एम। इसी टाइप से अगर आप देखोगे लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लैम्डा एम इनफाइनाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मीनिंग क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहां पर सी का मीनिंग क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। और सी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया इस वाली ग्राफ से, मीनिंग इस वाली ग्राफ में कौन किसको रिप्रेजेंट करा। अब साथ में देखिए यहां से क्या क्या कॉन्क्लूजन आपको ऑप्टेन होंगे। सबसे पहली बात देखिए यहां पर कॉन्क्लूजन आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं, थ्री कॉन्क्लूजन यहां से आपको ऑप्टेन होंगे। और वो थ्री कॉन्क्लूजन कौन कौन से उसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करोगे तो जिनके लिए भी लैम्डा एम एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के मिड में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ ऑप्टेन होता है तो वो कौन सा हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड थिंग देखिए यहां पर अगर आप इस वाले ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो, जैसे आपने इस वाले ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉटेशन किया तो यहां पर क्या करेगा, ये वाई एक्सिस पर कट करेगा। और जहां पर ये वाई एक्सिस पर कट कर रहा है इसको आप क्या बोलोगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट बोलेंगे। और लैम्डा एम इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मीनिंग यहां पर आप इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी में लैम्डा एम इनफाइनाइट को क्या मेंशन कर रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मीनिंग इस वाली जो कंसंट्रेशन पर या इस वाली डाइल्यूजन पर मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या होती है, ऑप्टेन होती है। और ग्राफ को भी अंडरस्टैंड कीजिए आप, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए अगर आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आपने क्या पुट कर रखा है, कंसंट्रेशन। तो आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। लेकिन जब आप बात करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहां पर भी आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। लेकिन ये इंक्रीजमेंट क्या होगा, सडनली होगा, मीनिंग यहां पर जो इसका जो यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी मोलर कंडक्टिविटी के इंक्रीज होने की, वो क्या आती है, ग्रेटर आती है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब भी आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, कंसंट्रेशन और जो वॉल्यूम है उनका कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मीनिंग जो कंसंट्रेशन और जो डाइल्यूजन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मीनिंग क्या हो गया, डाइल्यूजन इंक्रीज हो गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस वो इंक्रीज होते हैं, इसलिए जो मोलर कंडक्टिविटी में क्या आता है, इंक्रीजमेंट है, वो ग्रेटर आता है। किसके कंपेरिजन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपेरिजन में वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में क्या आता है, इंक्रीजमेंट आता है। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा प्लोटेशन मेथड के थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब बात करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो इस वाले केस में अगर आप इस वाले ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो
तो ये वाला इस वाली जो वाई एक्सिस पर लैम्डा एम को कट नहीं करेगा, नहीं इनफाइनाइट पर जाकर क्या करेगा, कट करेगा। तो यहां पर आप एक और स्टेटमेंट ये बोल सकते हो कि जो कोलराउस रूल है, इस वाले रूल की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा एम की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंसंट्रेशन उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, और डाइल्यूजन को मैक्सिमम करना पड़ेगा। मीनिंग अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए जब भी आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो वाली वैल्यू है आपको एक्स्ट्रा प्लोटेशन मेथड से ऑब्टेन नहीं होती है। अब आइए बात करते हैं इसके कॉन्क्लूजन की, क्या क्या कॉन्क्लूजन यहां से ऑब्टेन किया कोलराउस ने। तो देखिए सबसे पहला कॉन्क्लूजन देखते हैं, यहां पर कोलराउस रूल है उसका सबसे पहला कॉन्क्लूजन, ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल देखिए पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम एसिटेट। तो ये जो एग्जाम्पल यहां पर मेंशन किए ये किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। फर्स्ट कॉन्क्लूजन देखिए क्या यहां पर आता है कोलराउस रूल से, ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन एट लोअर कंसंट्रेशन वेयर एज दीज ग्राफ्स आर नॉन लीनियर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल देखिए एसिटिक एसिड एंड अमोनिया में हाइड्रोक्साइड। तो पहला कॉन्क्लूजन तो ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जब बात करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। और ग्राफ नॉन लीनियर का मीनिंग कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ क्या होता है, ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट देखिए, देयरफोर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच गिव स्ट्रेट और लीनियर लाइन आर नॉन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीनिंग जहां पर भी आपको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जहां पर भी आपको ग्राफ है वो मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन में लीनियर लाइन ऑब्टेन होता है तो वो वाली इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। वेयर इज द इलेक्ट्रोलाइट्स विच गिव नॉन लीनियर लाइन आर नॉन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें अगर आप ग्राफ वो प्लॉट करते हो मोलर कंडक्टिविटी को अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और अगर वहां पर आपको नॉन लीनियर लाइन ऑब्टेन होती है तो वो वाली इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होंगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द लाइन अप टू जीरो कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। यहां पर देखिए अगर आप बात करते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्लोटेशन मेथड। लेकिन जब बात करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो आप यहां पर एक्स्ट्रा प्लोटेशन मेथड के थ्रू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीनिंग लैम्डा एम इनफाइनाइट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकेंड वाला कॉन्क्लूजन देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूजन ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये अपन पहले जानते हैं, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वहां पर अपन ने डिस्कस किया था, आप जैसे डाइल्यूजन को इंक्रीज करोगे तो वहां पर मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यही मेंशन किया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूजन ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सिंस डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो क्या हो जाएगा, इजिली कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन जब बात करते हो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली आयोनाइज कहां पर होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर, मीनिंग वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो, और जो डाइल्यूजन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर ही जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली क्या होता है, आयोनाइज होता है। सो वी गेट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। तो इसीलिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए आप जो आपके पास जो भी मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है वो कहां पर आती है, इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर आती है। आफ्टर दिस डाइल्यूजन देयर डज नॉट अकर
एनी इंक्रीज इन कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन डाइल्यूजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इस वाले स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो, मीनिंग डाइल्यूजन को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो डाइल्यूजन को इंक्रीज करोगे तो इस वाली कंडीशन पर अगर देखोगे तो यहां पर जो लैम्डा एम तो क्या हो गया मैक्सिमम, और कंसंट्रेशन कितनी हो गई जीरो। अगर कंसंट्रेशन जीरो हो गया तो मीनिंग क्या हो गया कि वहां पर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। और यहां पर अगर आप अब यहां से इससे मैक्सिमम वैल्यू आपको मोलर कंडक्टिविटी की ऑब्टेन नहीं हो सकती। तो ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट को वापिस एक बार मैं रीडिंग करता हूं। पॉइंट क्या है यहां पर, देयर डज नॉट अकर एनी इंक्रीज इन कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन डाइल्यूजन। और इसके बाद में अगर आप डाइल्यूजन कितना इंक्रीज कर दो उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी में किसी भी टाइप का इंक्रीजमेंट नहीं होगा। सो दैट इट इज ए कॉन्स्टेंट मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन टेम्परेचर। इफ टू बी द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टू बी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन एज। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अदरवाइज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है एक्चुअल में रेशियो होता है। रेशियो किसका होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन डाइल्यूजन टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। इसका जो रेशियो आएगा, इसी रेशियो को आप क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अदरवाइज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और इसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हो आप, अल्फा के थ्रू इसको क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आपसे ये पूछे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको रिप्रेजेंट किससे कर दिया, अल्फा से, ये क्या होता है एक्चुअल में रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन डाइल्यूजन। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया लैम्डा एम, लैम्डा एम का मीनिंग क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन डाइल्यूजन। और इसको डिवाइड किससे करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से। तो ये वाला जो रिलेशन होता है, मीनिंग जो दोनों का रेशियो होता है, वही किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। और अल्फा एक्चुअल में क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अदरवाइज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट गिवन डाइल्यूजन टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हैज इट्स वैलिडिटी एज फॉर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट सिंस देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएशन अकर्स फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सो दैट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स The alpha is only ratio of conductivities. Next वाला देखिए, जो third conclusion है इस वाले graph से क्या obtain होता है, weak electrolyte give non-linear plot। ये starting में देख लिया है अपने कि जो भी weak electrolyte है, acetic acid है, ammonium hydroxide है, तो उनके लिए जो plotation किस type का आता है, non-linear आता है। weak electrolytes give non-linear plots, so That extra flotation is not possible for these. तो जो भी weak electrolyte है उनके लिए extra flotation है वो possible नहीं है। And we cannot determine the molar conductivity at infinite dilution. और infinite dilution पर अपन molar conductivity है उसका determination नहीं कर सकते। And we cannot determine the molar conductivity at infinite dilution. For weak electrolyte के लिए infinite dilution पर molar conductivity का determination नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर extra flotation method है वो possible नहीं है। तो ये क्या थे आपके पास, 3 conclusion थे जो किससे belong करते हैं आपके, ये belong करते हैं Kolrow's rule से। अब अगर आपके exam में direct आपके पास statement आता है
स्टेट कोलराउस रूल, तो उस वाली कंडीशन में आपको कौन सा स्टेटमेंट मेंशन करना है उसको देखिए। तो यहां पर मैंने दो डेफिनेशन मेंशन किए, इन टू डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजीली लर्न हो उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। तो यहां पर देखिए एनसीईआरटी के अंदर इसको किस टाइप से मेंशन किया हुआ है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस, अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो कोलराउस रूल भी बोल सकते हो। तो देखिए किस टाइप से आपको इसको डिफाइन करना है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन एवरी आयन मेक्स ए डेफिनाइट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एवरी आयन का, और ये जो एवरी आयन है ये जो अदर जो इसके इलेक्ट्रोलाइट में अदर टाइप का जो आयन प्रेजेंट है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन को मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि ये इजीली क्या होती है, लर्न हो जाएगी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है यही आपको मेन बोर्ड एग्जाम में मेंशन करनी है। तो देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन, मीनिंग जो डाइल्यूजन आपको क्या करना है, इनफाइनाइट करना है, मीनिंग कंसंट्रेशन क्या हो गया, कंसंट्रेशन टेंड टू जीरो, मीनिंग कंसंट्रेशन अगर डाइल्यूजन इनफाइनाइट है तो वहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इट। तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कोलराउस लॉ की। क्या डेफिनेशन है, एक बार वापिस से रिपीट करता हूं मैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इट। क्या मीनिंग है इसका, तो मीनिंग अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और वो वाला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, जैसे आपको ये मेंशन कर दिया सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो यहां पर इनफाइनाइट मेंशन कर दिया और सोडियम क्लोराइड के लिए मैंने मेंशन कर दिया NaCl। तो आपको ये बोल दिया कि जो सोडियम क्लोराइड है इसके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको क्या करना, आपको कैलकुलेट करना है। तो किस टाइप से कैलकुलेट करोगे, सोडियम क्लोराइड एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, और अभी आपने ये अंडरस्टैंड किया है कि अकॉर्डिंग टू कोलराउस रूल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसकी मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होती है, उस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस प्रेजेंट है मीनिंग ऑल द आयंस है उनका क्या कर दो, मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दीजिए, वही किसके इक्वल होता है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर। तो यहां पर देखिए किस टाइप से, यहाँ पर टू आइंस है, एक तो कैटाइन सोडियम है, सेकंड वाला एनाइन कौन सा है, क्लोराइड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस किसकी आ जाएगी, सोडियम आइंस की। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया Na प्लस की, और साथ में सेकंड वाला आयन कौन है, क्लोराइड है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, मीनिंग क्या हो जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में आपने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। तो यहां पर जो इस इलेक्ट्रोलाइट है इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल हो रही है, सोडियम एंड जो क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टेंस है इसका क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो इसका जो सम आएगा वही एक्चुअल में किसकी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, वो इस मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी आपके सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस, सम कर दिया, लैम्डा एम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl के। सेकंड वाला अगर यहां पर ये देखिए इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, यहां पर क्योंकि इनका नंबर क्या था, वन वन नंबर है, सोडियम भी एक और क्लोरीन भी क्या है, वन है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा केस हो, मैं एक जनरल फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट, मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी को आपको फाइंड आउट करना है कहां पर, इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर। यहां पर आपको बोल दिया इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज वीक हो सकता है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना वी पॉजिटिव। वी पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ कैटाइनिक आयन, मीनिंग यहां पर जितने भी कैटाइन बन रही है उनका नंबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी पॉजिटिव, फिर क्या मेंशन करना आपको, लैम्डा एम इनफाइनाइट,
लेमडा एम इनफाइनाइट, और यहाँ पर किसके लिए, कैटाइन के लिए, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कैटाइन को मेंशन कर दूंगा, तो मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कैटाइन। सेकंड देखिए, अगर कैटाइन है तो इलेक्ट्रोलाइट में नॉर्मल सी बात है, कैटाइन के साथ क्या होता है एनायन भी प्रेजेंट होता है, एनायन के नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, वी माइनस से या न्यू माइनस से, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, तो यहां पर मैं बोल रहा हूँ वी माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, और ये मोलर जो कंडक्टिविटी है वो किसकी आ जाएगी आपके एनायन की आ जाएगी। तो ये वाला क्या होता है जनरल फॉर्मूला होता है। यहां पर वी प्लस और वी माइनस का मीनिंग क्या है, वी प्लस और वी माइनस का मीनिंग है नंबर ऑफ कैटाइनिक एंड एनायनिक आयंस। जैसे इसको मैं आपको किस टाइप से अप्लाई करना है वो अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये बोल दिया कि लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एम जी सी एल टू, मीनिंग मैग्नीशियम जो क्लोराइड है इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर क्या होगी, ये आपसे सवाल कर दिया। तो यहां पर देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो कौन से आयन है, मैग्नीशियम और कौन सा है क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम पर प्लस टू चार्ज होता है, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है क्लोराइड पर, माइनस वन होता है। तो इसकी आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले मैग्नीशियम देखिए कितना, वन है, तो वन को मेंशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मीनिंग वी प्लस की वैल्यू मैग्नीशियम के लिए कितनी आ गई, वन आ गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट एम मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस एक्चुअल में किसकी, मैग्नीशियम प्लस टू की, तो ये मैंने मेंशन कर दिया मैग्नीशियम प्लस टू। प्लस समेशन करना है तो प्लस वाला साइन लगाइए, फिर कौन सा एनायन, एनायन कौन सा है क्लोरीन है, लेकिन यहां पर क्लोराइड एनायन के कितने आयन से, टू, तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, टू, क्योंकि यही तो आपने मेंशन किया वी माइनस, वी माइनस का मीनिंग क्या है नंबर ऑफ एनायन के चार, तो यहां पर कितने नंबर में प्रेजेंट है एनायन, तो यहां पर टू नंबर में प्रेजेंट है तो टू आ गया, फिर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूजन और कौन से आयन के लिए क्लोराइड के लिए, तो यहां पर क्या मेंशन कर दिया मैंने Cl- माइनस कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए किस टाइप से इसका यूज करना है। अगर वन वन नंबर में कैटाइन और एनायन प्रेजेंट है तो वहां पर V प्लस और V माइनस आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब भी आपको अनदर नंबर में मेंशन है मीनिंग कैटाइन और एनायन का नंबर जो डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस वाली कंडीशन में आप जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर इसी टाइप से आप क्या करते हो ऑब्टेन करते हो। अब देखिए, अब इसी जो इक्वेशन है नहीं जो कोलराउस रूल है इस पर डिपेंड है, कुछ अपन प्रॉब्लम्स करते हैं न्यूमेरिकल से उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, यहां पर किस टाइप से न्यूमेरिकल है आपको प्रोवाइड करता है और किस टाइप से आपको इस वाले न्यूमेरिकल को क्या करना होता है सोल्व करना होता है, और इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा किस टाइप से आप इजीली ट्रिक का यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। तो पहली प्रॉब्लम से अगर आप डील करोगे तो यहां पर देखिए क्या मेंशन कर रखा है लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl मीनिंग सोडियम क्लोराइड के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेंशन कर रखी है 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसी टाइप से सोडियम एसिटेट के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन ये कितनी प्रोवाइड की है 90 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसी टाइप से जो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी मेंशन की है 420 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, और इन जो थ्री आपको इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर दिए और फोर्थ वाला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की आपको क्या फाइंड आउट करनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। तो यही तो अपन ने कोलराउस का जो रूल था उसका एप्लीकेशन यही है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इस वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कहां पर एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर। किस टाइप से आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो इसके लिए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको मेंशन कर रखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन, तो अगर इसको मैं कोलराउस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करूं तो देखो क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू कोलराउस रूल लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl, कौन से इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं सोडियम क्लोराइड के लिए, ये एक्चुअल में इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की जो भी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगी, वो आपके एक्चुअल में इक्वल होगी लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ सोडियम आयन Na पॉजिटिव, समेशन करना सम कर दीजिए लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl
माइनस, तो इस मीनिंग जो एन ए प्लस और सीएल माइनस का जो सम आएगा मोलर कंडक्टिविटी का, वही एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी के। सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 125 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकेंड वाला अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में क्या बन जाएगा, लेमडा एम एट इनफाइनाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसके इक्वल होगी, लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ एच प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी एल माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। तो इनका जो सम आएगा वही किसके इक्वल हो जाएगा, एच सी एल के मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। थर्ड वाला इलेक्ट्रोलाइट आपको कौन सा मेंशन किया है, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट के लिए देखिए किस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा एम इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किस किस कौन कौन से आयन का सम होगा, तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एसीटेट सी एस थ्री सी डबल ओ प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एन ए पॉजिटिव। तो इन दोनों आयन का जो सम होगा मोलर कंडक्टिविटी का, वही किसके इक्वल हो जाएगा, सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, फर्स्ट इस वाली इक्वेशन को बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन को बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू, और जो ये वाली इक्वेशन को बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया। अब यहां से आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट समझना है, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट करनी है आपको, सी एस थ्री सी डबल ओ एच जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो किस टाइप से आप फाइंड आउट करोगे मोलर कंडक्टिविटी को, तो इसके लिए देखिए अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं मेंशन करता हूं। तो देखो किस टाइप से आपको फाइंड आउट करना, तो ये आपको मेथड है, मैं अभी मेंशन करता हूं किस टाइप से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट इसकी इलेक्ट्रो इसको इजीली क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए यहां पर वापिस से राइट डाउन नहीं करना पड़े, इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब आपको कौन सी इलेक्ट्रोलाइट है उसका फाइंड आउट करना है, तो देखिए प्रॉब्लम के अंदर आपको फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच के लिए, तो देखो उसको मैं अलग कलर से मेंशन करता हूं जिससे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सको। तो ये देखिए लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच, एक्चुअल में इसकी मोलर कंडक्टिविटी का सम किसके इक्वल होगा, तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट कैटाइन तो कौन सा बन जाएगा एच प्लस और एनाइन कौन सा बन जाएगा एसिटेट, नहीं क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एच प्लस। आपको जब भी आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर, तो आपको कौन कौन से आयंस के क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा एसिटेट आयन का एंड सेकेंड वाला एच प्लस आयन का। अब ये जो आपको गिवन जो इक्वेशन है उनमें से आप देखिए एसिटेट और एच प्लस आयन आपको जिस भी इक्वेशन में उनका तो क्या कर देना, सम कर देना है, और रिमेनिंग जो है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो देखिए आपको कौन सा आयन की रिक्वायरमेंट है, एसिटेट, एसिटेट कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर थर्ड में। उसके बाद में देखिए कौन सा आयन चाहिए आपको सेकंड वाला एच प्लस, तो एच प्लस कहां पर प्रेजेंट है, एच प्लस प्रेजेंट है आपकी इक्वेशन नंबर टू में। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसकी अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थर्ड को तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों आयंस आपके इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थर्ड को तो क्या कर दिया, सम कर दिया। अब देखो अगर आपने इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थर्ड को सम किया, कौन सा मिल गया आपको सी एस थ्री सी डब्ल्यू और यहां से क्या जाएगा एच, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको फाइंड आउट हो गया एसिटिक एसिड मीनिंग सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच, लेकिन आपके लिए वेस्ट कौन रह गया एन ए सी एल, क्योंकि ये भी सम होगा, तो ये सम होगा तो यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जनरेट हो जाएगा एन ए सी एल। तो आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, सोडियम एंड क्लोराइड मीनिंग यहां पर भी एन ए सी एल है, तो इसको यहां से कैंसिल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, मीनिंग यहां पर क्या कर दोगे माइनस इक्वेशन नंबर
वन। तो ये वाला आपको सीधा सा फंडा ध्यान रखना है कि जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है पहले तो उनको कोलराउस रूल के अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिए, और उसके बाद में ये देख लीजिए कि जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट से आपको मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करना है, जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का उसमें कौन से आयंस है, वो आयंस कौन से इक्वेशन में प्रेजेंट है उनको तो प्लस कर दीजिए, और जिन इक्वेशन में वो प्रेजेंट नहीं है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन नंबर टू में तो कौन है NCl वाला, और इक्वेशन नंबर थर्ड में कौन है सोडियम एसिटेट, इनकी मोलर कंडक्टिविटी आपको पहले से गिवन है। तो ये देखिए मोलर कंडक्टिविटी NCl के लिए तो कितनी है 90 है, और इसके बाद में बात करूं मैं किसके लिए सोडियम एसिटेट के लिए कितनी है 420 है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो ये मैं यही पर मेंशन कर देता हूं, 90 + 420 - 1 का मीनिंग क्या है NaCl, और NaCl के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी कितनी मेंशन की थी 125। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। तो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 385। जब भी इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 385। यूनिट जरूर मेंशन करना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, इजीली सोल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर टू की ओर मूव करते हैं अपन। प्रॉब्लम नंबर टू है थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, क्योंकि यहां पर इससे जो पहला वाला सवाल था प्रॉब्लम थी उसमें तो आपको किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इस वाले को थोड़ा सा एडवांस मैंने जनरेट किया है क्योंकि यहाँ से आपको अदर कॉन्सेप्ट है वो भी पता चलेगा, और साथ में जो आईआईटी और नीट एग्जाम है उसमें भी अगर कोलराउस से रिलेटेड किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो वो रॉन्ग नहीं होगा। अब इस वाले प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो इस वाले प्रॉब्लम को देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कोलराउस रूल के अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिए जो भी आपको गिवन इलेक्ट्रोलाइट है उनको। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो क्या बन जाएगा इसके लिए डायरेक्ट मैं मेंशन कर रहा हूं लैम्डा एम इनफाइनाइट बेरियम प्लस टू प्लस समेशन किसके साथ हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, और यहां पर कौन आ जाएगा कितने क्लोरीन है यहां पर OH हाइड्रोक्साइड कितना है 2 है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ NN भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ OH माइनस, ये आपको वैल्यू कितनी गिवन है 500 गिवन है। सेकंड वाला देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के बाद में बेरियम क्लोराइड, ये रहा बेरियम क्लोराइड, तो इसके लिए क्या बन जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का लैम्डा एम इनफाइनाइट, बेरियम का मीनिंग की जो कैटायन का नंबर 1 ही है तो 1 मेंशन करो चाहे इसे मत करो एक ही बात है, तो ये तो क्या हो गया Ba प्लस टू समेशन। सेकंड वाला कौन सा है क्लोराइड, क्लोराइड का नंबर कितना है 2, तो यहां पर भी क्या मेंशन करेगा 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस, इसकी वैल्यू आपको कितनी मेंशन कर रखी है 300 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, तो यहां पर वैल्यू कितनी मेंशन कर दी मैंने 300 मेंशन कर दी। थर्ड वाला देखिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। थर्ड वाला देखिए कौन सा है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड में तो 1 है तो मेंशन कर दीजिए इसके लिए क्या हो जाएगा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अमोनियम मीनिंग क्या हो जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस 1 ही नंबर है तो आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये कौन सा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड मीनिंग कौन सा सॉरी अमोनियम क्लोराइड है, यहां पर क्या हो जाएगा Cl आ जाएगा। ये जो वैल्यू है उसकी कितनी मेंशन कर रखी है 120, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इन 3 इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से किसको फाइंड आउट करना है NH4OH को फाइंड आउट करना है, तो देखिए इसके लिए क्या बन जाएगा NH4OH के लिए बन जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है NH4 प्लस, और यहां पर क्या जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट और कौन सा जाएगा ONC नेगेटिव, ये आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल में ये किसके इक्वल होगा। अब यहां से देखिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग NH4OH, तो कौन कौन से आयंस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4 है, सेकंड वाला कौन सा ONC है, तो अगर आप इन इक्वेशन को देखोगे जो आपको इक्वेशन गिवन है अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, देखो अमोनियम तो कहां पर प्रेजेंट है थर्ड वाली इक्वेशन में,
और हाइड्रोक्साइड कहां पर प्रेजेंट है, फर्स्ट इक्वेशन में। लेकिन एक बात क्लियर होगी कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थर्ड का तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, अगर आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर वन, इनको तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब साथ में इंपोर्टेंट देखिए, जब भी आप इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर वन को क्या करोगे, सम करोगे। तो यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड NH4Cl और इक्वेशन नंबर वन कौन सी है, बेरियम, और यहां पर कितने OH, तो यहां पर देखिए कितना है, 2OH माइनस है, कितने माइनस है, 2OH, और आपको किसका फाइंड आउट करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर अमोनियम तो का नंबर कितना है, 1, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में जो हाइड्रोक्साइड मीनिंग OH का नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको इनको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इनका नंबर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक ही अमोनियम और एक ही क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। लेकिन इन इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर वन में क्या है, 2 हाइड्रोक्साइड है, तो आपको अमोनियम को भी कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे को यहां पर करेक्शन क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप देखो बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो NH4 पॉजिटिव का नंबर भी कितना हो गया, 2, और यहां से OH का नंबर भी कितना आ गया, 2, तो क्या बन जाएगा, 2NH4OH बन जाएगा। साथ में देखिए क्लोराइड का नंबर कितना है, 2, और यहां पर बेरियम का नंबर, बेरियम पर कौन सा चार्ज है, +2, तो यहां से क्या बन जाएगा, BaCl2 बन जाएगा। तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ऑब्टेन हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट रह गया, बेरियम क्लोराइड, जिसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो इजिली क्या यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो जो आपको वैल्यू गिव है ना वो मेंशन कर दीजिए। तो यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और वन को तो क्या कर दिया, सम कर दिया, और इक्वेशन नंबर 2 को यहां से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट बेरियम क्लोराइड और वो इजीली यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई थर्ड की कितनी आपको मोलर कंडक्टिविटी मेंशन कर रखी है, 120, ये लीजिए 120 प्लस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में कौन था आपके पास, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है, 500, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया 500 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का मीनिंग क्या हो गया, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है, 300, तो ये लीजिए मैंने वैल्यू पुट कर दी यहां पर 300। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 440, और यूनिट जरूर मेंशन करना है, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यही एक्चुअल में किसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, तो इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको यहां पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट मेंशन कर रहा है तो उनका आपको ये देखना, उनको आयोनाइज करवा लीजिए कोलराउस रूल के अकॉर्डिंग, और आपको कौन कौन से आयंस की रिक्वायरमेंट है उनको तो सम कर दीजिए, और जो भी रिमेनिंग आयंस है उनको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और यहां पर यह जरूर ध्यान रखना है कि आपको किससे उसको मल्टीप्लाई करना है। अब साथ में इंपोर्टेंट देखिए, यहां पर जो भी आपके पास ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आया है किसके लिए, ट्वाइस के लिए आया है, क्योंकि वहां पर आपने इक्वेशन को जब बैलेंस किया था तो यहां पर जो अमोनियम का नंबर भी 2 हो गया था, हाइड्रोक्साइड का नंबर भी कितना हो गया था, 2 हो गया था, लेकिन आपको तो 1 मोल का चाहिए। आप इससे प्रॉब्लम में क्या आते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4OH, मीनिंग आपको सिंगल मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो यहां पर देखिए किस टाइप से इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा, लैम्डा एम NH4OH की आपकी वैल्यू चाहिए, तो आप जो भी वैल्यू है इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1, ये इक्वल हो जाएगा 220 के, 220 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपके पास एक्चुअल में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल के लिए रिक्वायरमेंट है, ये कितने मोल के लिए था, 2 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की, 220 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट वाला देखिए, ये लास्ट वाली प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यहां पर आपको एक इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो जब भी इस वाले सवाल को आप सोल्व करने जाओगे तो एक आपको रिलेशन में जरूर मेंशन कर देता हूं, ये रिलेशन आपको पता रखना है, इसी रिलेशन से आप मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को क्या कर पाती हो, रिलेट कर पाती हो, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी,
लेमडा ई एट इनफाइनाइट, इसका मीनिंग क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन इक्वल टू लेमडा एम इनफाइनाइट, इसका मीनिंग क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन, और इसको आप डिवाइड करते हो एन फैक्टर से, किससे डिवाइड करोगे, एन फैक्टर से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में एन फैक्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज, एन फैक्टर का मीनिंग क्या है, केटाइन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और जो एनाइन है उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे, यहाँ पर एन फैक्टर बोलोगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले के थ्रू आप मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हो, इजीली रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग एक बात और आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेंशन कर रही हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी सेम बनेगा, लेकिन उस वाले केस में आपको उनके नंबर को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करोगे तो उस वाले केस में आपको फॉर्मूले के अंदर उनके नंबर को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस टाइप से आपको मेंशन करना है ये देखो मैं अभी आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ हिंट प्रोवाइड कर देता हूं, जिसकी हेल्प से आपके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। किस टाइप से देखिए, जैसे आपको ये बोल दिया कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट कीजिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेंशन कर दीजिए, कर दिया कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Ca3PO4 twice, ये आपसे बोल दिया कि कैल्शियम फॉस्फेट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको फाइंड आउट कीजिए। मैंने अभी बोला कि मोलर कंडक्टिविटी में आपको ऑलवेज कितने नंबर में कैटाइन है और कितने नंबर में एनाइन है उनको मल्टीप्लाई करना होता है उनकी मोलर कंडक्टिविटी से, लेकिन जब भी बात आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तो उस वाले केस में आपको नंबर ऑफ कैटाइन और नंबर ऑफ आइंस मेंशन नहीं करने है। तो यहां पर कौन सी कंडक्टिविटी की बात है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आप नंबर ऑफ कैटाइन एंड नंबर ऑफ एनाइन मेंशन नहीं करते हो। तो यहां पर देखिए एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि जो आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो यहां पर देखिए अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेट कर रहा हूं तो सबसे पहले कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी मेंशन कर देता हूं, क्या हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, और कैटाइन कौन सा है मेरे पास, कैल्शियम प्लस टू है, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया कैल्शियम में प्लस टू। यहां पर एम लिखा है क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मेरे को अगर इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करना तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मेरे को एन फैक्टर से, और एन फैक्टर का मीनिंग मैंने क्या बोला है, कैटाइन और एनाइन पर कितना पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैल्शियम पर है कितना चार्ज है, टू चार्ज है, तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। प्लस देखिए समेशन, फिर कौन सा है, एनाइन वाला फॉस्फेट है, तो यहां पर क्या मेंशन करूंगा मैं लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ गई, फॉस्फेट आयन की, PO4-3, और यहां पर देखिए एनाइन पर टोटल चार्ज कितना है, -3 है, तो यहां पर मैं इसको डिवाइड कितना किसने किससे कर दूंगा, 3 से, मीनिंग आपको ओनली मैग्नीट्यूड मेंशन करना है यहां पर। तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया आपकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, तो ये जो वैल्यू आएगी वही एक्चुअल में क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर, कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट के लिए, Ca3PO4 2 के लिए। तो आपको जो इक्वेशन बताई थी मैंने वही सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं किस टाइप से आपको कोरिलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से, तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना कि बस वही रिलेशन आपको ध्यान रखना, कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन डिवाइड बाय एन फैक्टर, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में एन फैक्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज और आपके नेगेटिव वाले केस में टोटल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इजीली बन जाएगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन जाएगी आपके लिए, इजीली सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर, अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो आपको ये गिवन डाटा है वो एक्चुअल में मोलर कंडक्टिविटी है, अदरवाइज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, इनकी जो यूनिट है उन यूनिट को कंसीडर कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि जो आपको गिवन वैल्यू है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, अदरवाइज मोलर कंडक्टिविटी है। तो सबसे पहले देखिए
यहां पर अगर एनएच फोर प्लस की बात करता हूं तो देखिए साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, मीनिंग ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। एल्यूमिनियम प्लस थ्री की बात करूंगा तो 300 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, तो मीनिंग ये भी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। और सल्फेट के केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या मेंशन कर रखा है, साइमन सेमी स्क्वायर इक्विलेंट इनवर्स, मीनिंग ये वाला क्या हो जाएगा, इक्विलेंट कंडक्टिविटी है। मीनिंग जहां पर भी मोल इनवर्स लिख रखा है तो वो तो कौन सी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है। और जहां पर इक्यू माइनस लिख रखा है, मीनिंग इक्विलेंस इनवर्स लिख रखा है, वो कौन सी इक्विलेंट कंडक्टिविटी है। तो यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहली प्रॉब्लम में आपको ये बोला है कि लेमडा ई, मीनिंग जो इक्विलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्री, मीनिंग एल्यूमिनियम प्लस थ्री के लिए आपको इक्विलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। और अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था कि जब भी आप इक्विलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हो तो उस वाले केस में क्या ध्यान रखना, उस वाले केस में आपको नंबर ऑफ आयंस मेंशन नहीं करने हैं। किस टाइप से इसका इक्वेशन बन जाएगा, तो देखिए एल्यूमिनियम प्लस थ्री के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, एल्यूमिनियम प्लस थ्री के लिए कौन सी वैल्यू है, मोल इनवर्स, मीनिंग क्या है इसकी, मोलर कंडक्टिविटी है। और अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के मिड में ये रिलेशन होता है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्चुअल में फॉर्मूला ये बन जाएगा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्री, और डिवाइड किससे करोगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर का मीनिंग क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, अदरवाइज टोटल नेगेटिव चार्ज। यहां पर एल्यूमिनियम पर प्लस चार्ज है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, थ्री, तो डिवाइड किससे कर दूंगा, थ्री से। और आपको जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें लैम्डा एम इनफाइनाइट एल्यूमिनियम प्लस थ्री की वैल्यू गिवन है, और वो वैल्यू कितनी है, 300 है, तो इजीली हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 100, क्या आंसर आ जाएगा, 100 यूनिट जरूर मेंशन करनी है, साइमन सेमी स्क्वायर और इक्विलेंट कंडक्टिविटी है, तो यहां पर यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, इक्विलेंस इनवर्स। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम नंबर टू देखना अच्छे से, प्रॉब्लम नंबर टू में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेमडा ई एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम सल्फेट, अब के बारे एल्यूमिनियम सल्फेट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है आपको इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर। तो सबसे पहले देखिए आप इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो आपको किस टाइप से फाइंड आउट करोगे, जो भी फॉर्मूला आपने लर्न कर रखा उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए। तो यहां पर देखिए आपको कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एल्यूमिनियम प्लस थ्री एंड सल्फेट, तो ये तो रहा आपके पास एल्यूमिनियम प्लस थ्री और ये आपके पास प्रेजेंट रहा सल्फेट। यहां पर आपको ये ध्यान रखना कि जो एल्यूमिनियम वाले के लिए आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है, और जो सल्फेट के लिए कौन सी कंडक्टिविटी मेंशन कर रखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो यहां पर आप इजीली जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, ये लीजिए अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूं तो किस टाइप से मेंशन कर सकता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन एल्यूमिनियम प्लस थ्री, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस थ्री के लिए कौन सा गिवन है आपको, मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी पर अगर आपको इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे कर दोगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज से, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, थ्री, तो यहां पर कितना मेंशन कर दिया, थ्री प्लस। इसके बाद में देखिए कौन सा मेंशन करना है आपको, सल्फेट मीनिंग एसओ फोर मेंशन करना है, और सल्फेट के लिए अगर आप देखोगे सल्फेट के लिए आपको ऑलरेडी कौन सी गिवन है, इक्विवेलेंट इनवर्स है, आपको पहले से कौन सी वैल्यू गिवन है, यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां पर क्या पुट कर सकते हो, इसको मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो यहां पर आपको डायरेक्ट ही गिवन है इक्विवेलेंट में, तो आप इसको यही मेंशन कर दीजिए, मीनिंग यहां पर क्या मेंशन कर दूंगा मैं, लैम्डा ई एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन ऑफ सल्फेट एसओ फोर माइनस टू, क्योंकि ये तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्म में गिवन है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पर देखिए मोलर कंडक्टिविटी तो कितनी है, 300 डिवाइड किससे हो जाएगा, ये 3 से प्लस, और यहां पर ये वैल्यू कितनी है, 125। सोल्व करोगे आप इसको तो कितना आ जाएगा, जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो 225, 3 से 100 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 100 आ गया, 100 प्लस 125 कितना हो गया, 225। यूनिट मेंशन करने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट किए, मीन साइमन सेमी स्क्वायर और इक्विवेलेंस इनवर्स।
क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में क्या पूछा आपकी बार, मोलर कंडक्टिविटी से डील करवाए। तो मोलर कंडक्टिविटी आपसे किसकी पूछिए, अमोनियम सल्फेट। कौन कौन से आयंस की रिक्वायरमेंट होगी, अमोनियम की, और अमोनियम के साथ सल्फेट की आपको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और साथ में मोलर कंडक्टिविटी जब भी आप फाइंड आउट करते हो, तो मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि हमेशा आपको माइंड में सेट करके रखना है कि कैटाइन और एनाइन का जो भी नंबर आता है उनको क्या करना पड़ता है, उनके मोलर कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी मेरे को फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू कोलराउस रूल, क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट। कौन सा यहाँ पर, अमोनियम है, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, अमोनियम NH4+1। कितने मोल अमोनियम के, 2 है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से, प्लस समेशन देखिए, फिर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। सेकंड वाला कौन सा, सल्फेट है, सल्फेट के लिए मैंने मेंशन कर दिया SO4-2। सल्फेट का नंबर 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1, वो मेंशन करो चाहे से मेंशन मत कीजिए, एक ही बात है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4 पॉजिटिव। अमोनियम के लिए मोलर कंडक्टिविटी, तो देखिए यहाँ पर अमोनियम के लिए मोल इनवर्स मीनिंग क्या, मोलर कंडक्टिविटी कितनी वैल्यू, 200, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 200 प्लस। अब यहाँ पर देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट, और साथ में क्या बोला, सल्फेट मीनिंग सल्फेट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जो आपको गिवन है, ये वाली जो वैल्यू आपको गिवन है एक्चुअल में कौन सी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कैसे पता चला मेरे को, इक्यू इनवर्स लिख रखा है। तो अभी आपने एक रिलेशन देखा था, रिलेशन क्या था, लैम्डा ई एट इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डिवाइड बाई एन। यहाँ पर एन का मीनिंग क्या था, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव था। सल्फेट के केस में नेगेटिव की बात करूंगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब आपको इजीली सल्फेट के लिए फाइंड आउट करना है कौन सा, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये लीजिए लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके लिए बोल रहे हो आप, सल्फेट के लिए, मीनिंग SO4-2 के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा ई, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सल्फेट, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एन से हो जाएगा। तो आपको वैल्यू कितनी गिवन है, 125, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाई विद 2 कितना हो जाएगा, 250। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 250 आ जाएगी। कैसे फाइंड आउट किया है मैंने इसको, इसके लिए बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 125 तो है आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एन फैक्टर, एन का मीनिंग क्या है, टोटल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना है सल्फेट पर, -2 है, तो आपको मैग्नीट्यूड मेंशन करना है, तो मल्टीप्लाई विद 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250, यही तो वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन की है। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो जब भी कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650 यूनिट जरूर मेंशन करना है, साइमन सेमी स्क्वायर। और मोलर कंडक्टिविटी की बात करिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स आ जाएगा। तो कोलराउस रूल पर जितने भी प्रॉब्लम्स बनते हैं न्यूमेरिकल, वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए, किस टाइप से मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेट करवा लेते हैं, और किस टाइप से आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट गिवन करके 4 इलेक्ट्रोलाइट जो वीक टाइप का होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो ये आपको मैंने इजिली अंडरस्टैंड कर दिया, बिल्कुल सिंपल टाइप के प्रॉब्लम भी सोल्व कर लिए और एडवांस टाइप के प्रॉब्लम भी सोल्व कर लिए। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसा ही नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।